मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर इंसान के हौसले बुलंद हों तो वह हर असंभव को संभव कर सकता है। ऐसी कहानी ब्यूटिशियन बबली गंभीर की है, जो रतलाम जिले के जावरा की रहने वाली हैं। बबली गंभीर ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। दरअसल बबली गंभीर के बचपन से दोनों हाथ छोटे हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों के बावजूद भी बबली ने इंग्लिश लिटरेचर में एमए और ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बबली के हुनर और मेहनत के लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार वुमन भास्कर अवार्ड और नेशनल वुमन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। दिसंबर 2013 में बबली गंभीर को असाधारण प्रतिभा में राष्ट्रीय उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क पुरस्कार श्री से सम्मानित किया गया है। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी बबली गंभीर को सम्मानित किया। माधुरी दीक्षित की तारीफ करते हुए बबली कहती हैं कि माधुरी दीक्षित जितनी खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत उनका दिल है। माधुरी दीक्षित से सम्मानित होकर मुझे गर्व महसूस होता है। बबली ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता को दिया। आसमान को छूने की तमन्ना रखने वाली बबली गंभीर युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। ये गलत फहमी निकालना चाहती थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रगति करनी है तो उसे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। अपनी जन्मभूमि पर बैठकर भी वो आसमान को छू सकता है। मैं अपनी माता के लिए, मेरी माँ के लिए रुकी थी यहाँ पर, जो बेड रिडन थी, और मैंने ये प्रण किया था कि मैं जावरा बैठकर भारत के हर शहर को छूऊंगी। राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया, 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार मैं अभी 9 तारीख को दिल्ली से लेकर आ रही हूँ। ये मेरा 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार। वुमन प्राइड अवार्ड उन्होंने दिया था। ये ऑनलाइन स्टोरी कंपटीशन था जिसकी जज माधुरी जी थी और मेरी कॉम थी। अब मैं उन बच्चियों को अपने साथ चलाना चाहती हूँ जो ज़िंदगी से हार मान चुकी हैं, जो इंतज़ार करती रहती अवसर का। मैं हाथ पकड़ कर उनके हाथों में वो अवसर रखूँगी।